शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाहे तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक की कैपिटल ही लगाइएगा। और अगर हमारी पेड मेंबरशिप लेनी है तो 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं यूट्यूब पर, जिसमें हम अपनी सारी ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे FCL के बारे में। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, फाइनोटेक केमिकल लिमिटेड। इसमें अच्छी खबर है, 52 वीक हाई बना रही है। बाय कीजिए, फॉरगेट कर जाइए। और ये मल्टीबैगर स्टॉक आपके बच्चों के लिए काफी बढ़िया गिफ्ट रहेगा जब वो ग्रोन अप होंगे। कौन है कंपनी? देखिए, फाइनोटेक ग्रुप इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉर स्पेशलिटी केमिकल, और पर्टिकुलरली टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट और फर्टिलाइजर में ये काम करते हैं। पेंट इंडस्ट्री का भी इनका काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से इन्होंने वाइड रेंज के प्रोडक्ट का परमानेंट प्रोसेसिंग, डाई प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग, सब प्रोसेसिंग में इन्होंने कारोबार शुरू किया है। तो ये एक अक्रॉस द ग्लोब कस्टमर को सर्व करती है, तो इंडिया में ही डिमांड को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड फुलफिल कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। अगर हम बात करें यहां पर लेटेस्ट न्यूज क्या है कंपनी के बारे में, तो देखिए, अब 52 वीक हाई बन रहा है तो कई चीजें हैं इनकी जो आपको समझनी होगी। कौन कौन इसमें होल्डिंग किया हुआ है, कैसे कैसे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बन रहे हैं, किसने अपनी होल्डिंग को इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि शेयर मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है, 3 गुना रिटर्न दे चुका है जब से हमने अपना इसको सबसे पहली बार कवर किया था। तो यहां पर नई हाई 273 के आसपास बनाई है और ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर इसने काफी उछाल दिखाया है। यहां पर आने वाले पिछले एक महीने में करीब करीब इसने 40% का रिटर्न दिखलाया है। दो प्राइमरी रीजन है। सबसे पहले हमारे डोमेस्टिक क्षेत्र में डिमांड फिर से रिवाइव करने लगी है, इकोनॉमी ओपन हो रही है, कोविड का जोर कम होता जा रहा है, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक के रेफरेंस में। साथ साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी काफी तकड़ी डिमांड बढ़ी है। जब से चाइना का बायकॉट शुरू हुआ है तब से इंडियन केमिकल सेक्टर की काफी तेजी का रुख दिखाया है। यहां पर गवर्नमेंट की पीएलआई पुश भी बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने कहा है कि यहां पर दोनों की वजह से और हायर क्रूड ऑयल की वजह से भी यहां पर कैपेक्स इस सेक्टर में जो 6000 से 6200 करोड़ का था वो इनको काफी हेल्प कर रहा है डिमांड को मीट करने के लिए, फॉर फूड प्रोसेसिंग, पर्सनल केयर, होम केयर, जो कि इनके लिए स्पेशलिटी केमिकल की फिनोटेक केमिकल के साथ में काफी बढ़िया एग्रीमेंट है इनका। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो कि केमिकल सेक्टर को बूस्ट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, दिस इज प्रोवाइडिंग अ एडेड एडवांटेज फॉर दिस कंपनी FCL। अगर हम बात करें बजट में, देखिए 9.2% बजट का जो हिस्सा है वो इन्होंने केमिकल इंडस्ट्री को दिया है और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर रहेगी आगे आने वाले समय में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उम्मीद की जाएगी 2025 तक, जो फर्दर डिमांड को ग्रो करेगी इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एंड कस्टमर का बहुत बढ़िया ध्यान रख रहे हैं पीआरआई स्कीम को चलते हुए। ब्रोकर्स का व्यू काफी बुलिश है इसमें और इन्होंने अगर हम बात करें तो यहां पर मार्केट के दिग्गज आशीष कोचलिया जी ने करीब करीब 21 लाख शेयर खरीदे हुए थे पहले, 2% के आसपास इनका स्टेक था जून में, और अब बढ़कर इनका और भी तेजी से इन्होंने इसको ऊपर किया है, अपनी होल्डिंग को फर्दर इंक्रीज किया है। इनकी होल्डिंग यहां पर करीब करीब 1,900 करोड़ की होल्डिंग है आशीष कोचलिया जी की, जिसमें से FCL इज वन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर देम। इसके बाद में उन्होंने 5.5 लाख शेयर और खरीदे जो कि 0.5% के आसपास है कंपनी का ओपन मार्केट से, और ये इसको चलते हुए इनकी होल्डिंग जो है 2.4% हो गई है कंपेयर टू 1.9%, जिसकी वजह से काफी तकड़ा उछाल आया है इनका शेयर भाव में भी यहां पर। तो क्या एडवांटेज है उनके लिए, आइए जरा चलकर समझते हैं। पीएलआई स्कीम है, एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर मिस झुंझुनवाला जी ने इनके अकॉर्डिंगली एक एक्सपर्ट का यहां पर बात किया गया और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर बताया है उन्होंने कि केमिकल जो है वाइड स्प्रेड सेगमेंट है और जिसमें जो जिस एरिया में स्पेशलिटी केमिकल है वो नीश सेगमेंट में कहलाता है क्योंकि उसकी डिमांड में ज्यादा मार्जिन रहता है। तो आरती झुंझुनवाला जी ने कहा है कि यहां पर जो यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है FCL के, उनके हिसाब से ये प्रोमिनेंट प्लेयर हैं इस सेगमेंट में और इन्होंने जो सेगमेंट
सेलेक्ट किया है फर्टिलाइजर, पेंट, एग्रोकेमिकल, अदर सेगमेंट, इनको यहाँ पर हेल्थ और हाइजीन सेगमेंट में राइट मूवमेंट है बीन सक्सेसफुल फॉर देम, क्योंकि उन्होंने काफी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किया था वहां पर और वो अब उसमें काफी तेजी से उछाल दिखा रहा है। डिटर्जेंट भी काफी अच्छा सेगमेंट है इनके लिए जो इनको यहां पर तेजी से रुख रखे हुए हैं ऊपर जाने के लिए। ISO सर्टिफिकेशन भी इन्होंने लिया हुआ है जिसके चलते हुए जो कस्टमर आ रहे हैं वो देखेंगे कि क्या स्पेशली इंटरनेशनल कस्टमर क्या क्या उनकी ऑडिट हुई है, किस तरह से उन्होंने साइन किया हुआ है और ये सारी की सारी चीज़ें जो ISO सर्टिफिकेशन में है वो इनको हेल्प कर रही है लार्जर डील्स विन करने के लिए। गुडविल एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ में, जो इनको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड पे रखा हुआ है डिमांड और साथ साथ में डिमांड के साथ रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। एक स्टडी की गई है जिसमें फास्फो जिप्सम मार्केट की स्टडी की गई जिसमें पाउडर और ब्लॉक दोनों तरह की स्टडी की गई है और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अदर सेगमेंट में इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसके जो कॉन्टैक्ट है वो है मार्केट रिसर्च टीम, न्यूजर्सी की पॉइंट कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आप उनको कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट भी दी हुई है और स्टीवन फर्नांडिस इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इन्होंने बताया है कि आने वाले समय में इसकी जो स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड रहेगी फॉस्फेट के स्पेसिफिकली CAGR 18% की रेट से बढ़ेगी। तो कह सकते हैं आने वाले 7 साल इनके लिए एक्सटेंडेड हनीमून पीरियड रहेगा जिसमें काफी तकड़ी ग्रोथ होगी स्टॉक के लिए। वी आर वेरी बुलिश एंड दिस विल ट्रिगर अ पॉजिटिव मोमेंटम। एक बुक जरूर रिकमेंड करेंगे अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम है, रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़िएगा और इस बुक में एक सेइंग है, डू नॉट वर्क टू अर्न मनी, वर्क टू लर्न। अगर आपकी लर्निंग इंटेंट है तो पैसा झक मार के आएगा ही आएगा और फिर आप अपनी सारी डेस्टिनेशन वेडिंग, ड्रीम वेकेशन सब कुछ फुलफिल कर सकते हैं। FCL फिनोटेक केमिकल लिमिटेड केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है और PLI इनके लिए अच्छी न्यूज बन के आ रही है। कुछ फंडामेंटल भी देखा जाए, कंपनी की मार्केट कैप बंद होते होते यहां पर आज 3600 करोड़ की मार्केट कैप है और अगर आप डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड भी देते हैं बट यील्ड काफी कम है इनकी 0.1, साथ साथ में 14 लाख शेयर हैं एक्सचेंज डेली और 30% की डिलीवरी है। तो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का 2% तक का हिस्सा इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए एक फायदे का सौदा बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के होराइजन रख रहे हैं। देखिए किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है, 141 करोड़ से बढ़कर 368 करोड़ के आसपास हो गया है इनका। तो यहां पर 2.5 टाइम्स की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने 5 साल के अंदर, तो हर साल करीब करीब 0.5% की ग्रोथ कह सकते हैं यहां पर। प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए, प्रॉफिटेबिलिटी 2020 में थोड़ा कमजोर रहा था क्योंकि वहां पर डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी स्पेशली केमिकल प्रोडक्ट्स की, बट उसके बाद से काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 14 करोड़ से 56 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का अगर पिछले साल का देखा जाए तो मार्जिन जो है इनके अच्छे मार्जिन है, करीब 16% के मार्जिन है जो कि अच्छा मार्जिन समझा जाएगा स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में। प्रमोटर शानदार होल्डिंग बना के रखे हुए हैं अपनी 65% के आसपास और यहां पर DII ने करीब 5%, पब्लिक जिसमें कोचार जी भी शामिल है 29% है यहां पर उनकी होल्डिंग। अगर हम एज पर द ओल्ड डाटा देखें तो यहां पर जो है आशीष कोचार निपोन लाइफ इंश्योरेंस 2.2%, आशीष कोचार जी जो ओल्ड डाटा है 1.9 जो बढ़कर 2.5 हो चुका है, कॉर्पोरेट बॉडीज 1.4, सुरेश कुमार अग्रवाल जी 1.3%, NRI 0.9 एंड HUF 0.9% की होल्डिंग रखे। फ्यूचर आउटलुक, डिमांड बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ड्रिवन एक्टिविटी है तो इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहेगी हमारे हिसाब से। एडवांटेज कॉस्ट का काफी अच्छा एडवांटेज है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है कंपनी की जिसके चलते हुए यहां पर बाहर के रेवेन्यू में मार्जिन काफी अच्छा रहेगा। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट ऐड होंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, इंटरनेशनल कस्टमर बढ़ेंगे तो इनके गेन्स मार्जिन में बढ़िया रहेंगे और डोमेस्टिक में भी रेवेन्यू बढ़ेगा जब नए प्रोडक्ट बनाएंगे और पैट भी इनका अच्छे से बढ़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़िया रहेगा हमारे हिसाब से। टेक्निकली आइए जरा चलकर कंपनी का देखते हैं स्टॉक क्या कर रहा है यहां पर। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए जैसा हमने बताया मल्टी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी कंपनी के लिए और यहां पर ऑयल एंड गैस, होम एंड हाइजीन, टेक्सटाइल केमिकल जिसका इनका ऑलमोस्ट 60% का रिवेन्यू आता है और ये टेक्सटाइल सेगमेंट के लीडर हैं अपने यहाँ पर, 1972 से ये कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप इनके पार्टनरशिप देखें तो बायोटेक्स, हेल्थ गार्ड, यूरोडाय सब लोग इनके साथ में हैं और अगर आप इनके सर्टिफिकेशन देखें तो काफ़ी बड़े लेवल पर इन्होंने कारोबार किया है यहाँ पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रखते हैं तो उस हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है। अब रिवेन्यू को देखा जाए तो हर क्वार्टर में इनका रिवेन्यू में इंप्रूवमेंट आ रहा है, देखिए 44 करोड़, फिर 61 करोड़, 79 करोड़, 71 करोड़, 65 करोड़, तो ऑन एवरेज पिछले साल में इनका 70 करोड़ का रिवेन्यू बन रहा है। एक्सपेंसेस ऑन एवरेज 50 करोड़ के आसपास है तो इस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब
12 से 15 के बीच में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द क्वार्टर। अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट कुछ नहीं देना पड़ रहा है, डेट बहुत कम है और डेप्रिसिएशन भी बहुत कम है, तो इस हिसाब से जितना प्रॉफिट बना रहे हैं वो ज़्यादातर उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाता है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड समझा जाएगा ऑपरेशन के साथ में। अगर आज का भाव देखा जाए तो 327 रुपये के आसपास जाकर बंद हुआ है, काफी अच्छा जंप दिखाया है इसने कल के मुकाबले, 312 के मुकाबले। फंडामेंटल अगर दो इंडिकेटर आप ले, 50 डे मूविंग एवरेज और 300 डे मूविंग एवरेज, उनको फॉलो करें तो केवल बेसिक चीज आपको समझ में आती है इससे। अगर 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तो बाय सिग्नल स्ट्रॉन्ग जनरेटेड है, और अगर नीचे है तो थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन रहेगा स्टॉक में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पैरामीटर है जिसके चलते हुए अगर हम यहां पर आज का देखें, 50 डे मूविंग एवरेज देखिए कितना अच्छा फंडामेंटल स्टॉक दिख रहा है आपको, ये यहां पर क्रॉस किया इसने। अगर किसी ने सिर्फ एक, ज्यादा टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर अगर किसी ने खरीदा तो इस टाइम पर इसका भाव करीब 25 रुपए के आसपास था। 25 रुपए का शेयर 323 रुपए का शेयर बन गया है इतने टाइम के बाद में, तो देखिए क्या बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इसने, फिनोमिनल, और एक बार भी डिप नहीं दिखाया 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे के नीचे। पिछले दो दिनों से वॉल्यूम भी काफी अच्छा चल रहा है, देखिए यहां पर करीब करीब 3.5 मिलियन और 4 मिलियन के शेयर है एक्सचेंज में, एक बार यहां पर भी अच्छा वॉल्यूम आया था, तो वॉल्यूम से ब्रेकआउट देखना क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि 200 के लेवल से ये 300 का लेवल अभी और भी सस्टेन कर सकता है यहां पर लॉन्ग टर्म की दृष्टि से। साथ साथ में अगर देखें, वोटेक्स इंडिकेटर ने यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर दिखाया था जब इसका भाव करीब करीब 165 के आसपास था, तो ये यहां से काफी अच्छा जंप दिखाकर अभी भी इसको पॉजिटिव ट्रेंड में रखा हुआ है। अगर बुलिंजर बैंड को फॉलो करें तो बुलिंजर बैंड की यहां से लोअर हिस्से से बढ़ के आया, क्रॉस करने के बाद में यहां से क्लियर ब्रेकआउट सिग्नल दिखाया था इसने, 171 से सीधा 327 के लेवल पर पहुंच गया है, 35 के आसपास इसकी बैंडविड्थ है। अब एक चीज समझिएगा, ये चीज थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन, इसकी RSI 83 के आसपास है जो कि क्लियर कट ओवरबोर्ड जोन दिखा रहा है। अगर 80 के ऊपर RSI है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहेंगे रिटेल निवेशकों को, आपको यहां फ्रेश एंट्री के लिए सलाह नहीं देंगे। हो सकता है ये थोड़ा करेक्टिव मोड में नीचे आए और 275 या 290 के बीच में इसके लिए काफी अच्छा सपोर्ट रह सकता है। जब इसका RSI कूल ऑफ हो तभी आप इसमें फ्रेश एंट्री लेगा, इतने हॉट RSI पे आपको एंट्री देने की सलाह नहीं देंगे। मैग्डी को देखें तो मैग्डी ने इसको फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट किया है यहां पर पिछले 3 दिनों से, और साथ साथ में आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिएगा। जय हिंद।